हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा के मुख्यमंत्री डरती हैं काले कलर से, जबकि सभी लोग अपने बच्चे को नजर से बचाने के लिए लगाते हैं काला टीका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को राजसमंद के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने कांकरोली से बस स्टैंड पर आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। हेलीकॉप्टर से जेके हवाई पट्टी पर उतरने के बाद गहलोत सीधा सभा स्थल पहुंचे और जनता का अभिवादन किया। इसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नए पुराने सभी कार्यकर्ता और सहयोगी संगठनों के लोग मंच पर एकजुट नजर आए। स्वागत के बाद बिना किसी औपचारिकता के गहलोत ने अपनी बात कहना शुरू किया। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल पर सवाल पूछती है तो बताएं कि इसका मतलब है 50 साल में जो कुछ विकास कार्य हुआ है वो कांग्रेस ने ही किया है, जबकि भाजपा सरकार 5 सालों तक जनता के बीच गई ही नहीं तो क्या बताएं? जबकि भाजपा ने कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। निःशुल्क दवा योजना के कारण आज राजस्थान को देश भर में जाना जाता है, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे भी बंद करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो जनता से जुड़ी आवश्यक किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है और वे बोले कि भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काले कलर से डरती हैं, जबकि लोग छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं। इस पर जनसभा में बैठे समर्थक हंस पड़े। गहलोत इस सभा के बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, दिलीप सिंह राव, गुणसागर कर्नावट, हरी सिंह राठौड़, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम देवी जाट, खमनोर ब्लॉक अध्यक्ष सुंदरलाल, नगर मंडल अध्यक्ष बहादुर सिंह चारण, कुलदीप शर्मा, ललित जोशी आदि कांग्रेस के हजारों समर्थक उपस्थित थे। राजसमंद से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।